भाभी। अरे रूमी बैठो, मैं तुम्हें अभी याद ही कर रही थी। रूमी वैसे हमने ना इस घर में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, बल्कि जरूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि पुराने वाले घर का सारा फर्नीचर मैंने बेच दिया, पैसे भी मिल गए मुझे। सच में रूमी, तुमने हमारे बुरे वक्त में बहुत साथ दिया है। रूमी जी भाभी, आज आरिफ घर पे ही है, उनसे बात कर लो जो मैंने बताया था। आप फिक्र ना करें, मैं बात कर लूंगी। मुझे बताएं अम्मी कहाँ हैं? अम्मी ड्राइंग रूम में। अच्छा सुनो, ये इतना बड़ा घर है कि खत्म ही नहीं होता, और पहले वाला घर शुरू होते ही खत्म हो जाता था। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए साइकिल की जरूरत पड़ती है। चलो आओ, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ अम्मी के पास। चलो आहे, लेट्स गो। एक बात बताएं मुझे, आपका दिल लग गया है यहाँ? सच कहूँ? नहीं, लेकिन बच्चों के लिए फैसला अच्छा था, और माँ तो हर उस फैसले पे राजी हो जाती है जो बच्चों की बेहतरी के लिए होता है। बस इसीलिए अपना दिल यहां लगाने की कोशिश कर रहा हूं। कोशिश तो क्या, कोशिश करने से दिल लग जाता है? हाँ, अगर हमारा दिल अच्छा और बुरा समझने के लायक हो जाए, और तकलीफ और राहत में फर्क महसूस कर सके, तो अपने प्यारों के सुकून, राहत, उनकी खुशी के लिए हमें सोचना चाहिए। और जब हम ये सोचते हैं, हमारा दिमाग इन बातों को कबूल करता है, तो हमारा दिल भी कबूल करता है, तो दिल खुद बखुद ही लग जाता है। रोमी, एक बात पूछो, सारिन तुमसे खुश है ना? बिल्कुल खुश है अम्मी, इसीलिए तो इतना बड़ा घर खरीद कर दिया, इतना हक दिया कि अपनी मर्जी से अपने घर वालों को यहां रहने दूं। खुश हैं तभी तो कह रहे हैं ये सब कुछ। और तुम खुश हो? अब तो आहिल भी बहुत खुश है, पहचानने लगा है सारिम को। मेरे सवाल अब भी वही है, तुम खुश हो? रूमी बेटा, मैं जानती हूं अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, तुम कोशिश करो कि सारिम को खुश रखो, उसे बेपनाह मोहब्बत दो जिसका वो हकदार है, और कोशिश करना कि तुम्हारे और उसके दरमियान कोई तीसरा शख्स ना आए, क्योंकि अगर कोई तीसरा शख्स मोहब्बत के दरमियान आ जाए ना, तो मोहब्बत की सारी ताकत ले जाता है। आप क्यों कह रही हैं? मां हूं ना बेटी की, इसलिए तुम्हें अच्छा बुरा समझाने की कोशिश करूं।